आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा मुख्य सड़कों व हाईवे के किनारे वाहनों के बेतरतीब पार्किंग करने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों के 73 स्थानों पर कुल 449 वाहनों को चेक किया गया तथा अवैध रूप से सड़क के किनारे खड़े कुल 64 वाहनों का अधिकतम धनराशि में चालान किया गया, जिसमें थाना गंभीरपुर से 18, मुबारकपुर से 16, निजामाबाद से 12, देवगांव से 7, कंदरापुर से 4, जहानागंज से 2, बर्दे से 2 तथा थाना फूलपुर से 1 वाहन का चालान किया गया है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। किस तरह से कार्रवाई की गई है और आगे पुलिस द्वारा? SSP महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जो गाड़ियां ढाबों के किनारे खड़ी हैं मेन हाईवे पर, पेट्रोल पंप्स, रिपेयर की दुकानें और होटलों के आगे खड़ी रहती हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में 73 स्थानों पर 449 वाहन चेक किए गए हैं, जिसमें से 64 का चालान मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत किया गया है। मेन उद्देश्य इसका यह है कि सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे कोई गाड़ी खड़ी ना करे और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।